दैनिक सवेरा देख रहे हो तुसीं तां मैं मसिंह दिगपाल जगराऊं दे चौंकी मान दे विच मौजूद हाँ जिथे कि कौमी शहीद दीप सिद्धू की याद के सिंघा शहीदों के नाते जिहड़े कि गुरुद्वारे की जिहड़ी कि उसारी है उसका नींह पत्थर रखा जाना तो नाल दी नाल जिहड़ा कि एक इंस्टीट्यूट है खोलिया जाना वा तो तस्वीर तुहानूं दिखा रहे हाँ चौंकी मान दे विच जिथे अज गुरुद्वारा साहब का जिहड़ा कि नींह पत्थर है रखा जाना सिंघा शहीदों के नाते तो दीप सिद्धू नूं अज पूरा एक साल जिहड़ा कि हो चुकिया होया है इस रूहानी दुनिया तो गया होया नूं पर नौजवानों के दिलों के अज भी जिंदा ने तो तस्वीर तुहानूं दिखा रहे हैं जिथे यादगारी जिहड़ा कि समागम करवाया जा रहा है तो अज के दिन दीप सिद्धू का पानीपत के नेड़े जिहड़ा कि सड़क हादसे के भयानक मौत हो गई सी तो उस तो बाद कौम के वलों उसनू कौमी शहीद का जिहड़ा कि दर्जा सीगा वह दिता गया सी तां वड्डी गिणती दे विच दीप सिद्धू नूं प्यार करन वाले उसनू चाहुण वाले इत्थे पहुँच रहे हैं तो सिद्धू मूसेवाले के पिता भी कुछ ही देर दे विच इत्थे पहुँचणगे तो संगरूर तो मैंबर ऑफ पार्लीमेंट सिमरजीत सिंह मान भी थोड़ी देर विच इत्थे पहुँचणगे तो जिस स्कोरपियो दे विच संदीप सिंह दीप सिद्धू एक्सीडेंट होया सी स्कोरपियो भी इत्थे उस तरह रखी हुई है तो जो जिहड़े नौजवान इत्थे पहुँच रहे हैं ज लोग इत्थे पहुँच रहे हैं वह देख सकन किस तरीके नाल जिहड़ा कि यह सारा भयानक है हादसा वापरिया सीगा तो उसकी जिहड़ी कि स्कोरपियो गड्डी है दीप की जो खुद ड्राइव कर रहा सीगा स्कोरपियो गड्डी भी इत्थे लगाई गई है जिस गड्डी दे विच दीप सिद्धू का जिहड़ा कि एक्सीडेंट सीगा होया सीगा पानीपत के नेड़े उस गड्डी दीआं तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं तो मनदीप उन्होंने अज भी यह गड्डी सामभ के रखी हुई है तो अज एक साल जिहड़ा कि हो चलिया है तो एक साल तो बाद एक साल के बाद जिहड़ी कि उन्हां दी बरसी है वह मनाई जा रही है तो वड्डी गिणती दे विच नौजवान जिहड़े ने इत्थे पहुँच रहे ने दीप सिद्धू नूं चाहुण वाले जिहड़े ने वह भी इत्थे पहुँच रहे ने जिहड़े दीप नूं प्यार करदे सीगे तां हत्थ दे विच दीप दी फोटो फड़ी हुई है तो जो लोग दीप नूं प्यार करदे सन अज इत्थे पहुँचे हुए ने तो अज जिहड़ा कि इत्थे सिंघा शहीदां दे नाम ते जिहड़ा गुरुद्वारा साहब है उसका जिहड़ा कि उद्घाटन है कीता जाणा है तो उसका जिहड़ा कि नींह पत्थर वह भी रख्या जाणा है तो नाल दी नाल एक इंस्टीट्यूट खोलिया जाना जिथे IPS की ट्रेनिंग PCS जिहड़ी कि ट्रेनिंग है बच्चों को दी जानी है तो निहंग फौजां भी इत्थे पहुँच रही ने गलबात भी करांगे बाबा जी किहड़ी जगह तो आए हो असीं फतेहगढ़ साहब की धरती तो आए हाँ की कहना चाहूगा जी एक साल हो गया दीप नूं साडे विचों गया नूं तो एक साल बरसी का समागम करवाया जा रहा हाँ जी कह कौम की चढ़ती कला ही हुई है चलो वैसे जिहड़ा साडे कोले दीप सिद्धू वाली घाट है वह तो पूरी होनी नहीं हैगी वैसे अपनी कुरबानी दे के कौम नूं तां जगा गया तो महाराज की बड़ी महान कृपा बच्चा बच्चे दे दिल दे विच वस गया भाई दीप सिद्धू तो यह हुण निकलूगा जदे जद खालसे का घर बनूगा या दीप सिद्धू का इंसाफ मिलेगा दीप हमेशा गल क्या करता सी कौम नूं इकट्ठा करना कौम नूं जगाना कि कौम इकट्ठी हो गई है जग चुकी है हुण कौम इकट्ठी है बिल्कुल जिहड़ी कौम आ उह तां इकट्ठी है जिहड़ा खालसा उह तां इकट्ठा ही है जिहड़े हुण खालसे दे विच रूप च फिरदे ने बहुत बंदे बडरूपीए साडे गुरु घरां दे भी ताबेदार बने फिरदे ने उहनां नूं तां असीं कह नहीं सकदे उहनां नाल पहलां इकट्ठे सी ना हुण इकट्ठे ने जिहड़ा खालसा उह इकट्ठा खालसा बिल्कुल इकट्ठा होया होया हुण जिस तरह दीप दे वल्लों वारिस पंजाब दी जथेबंदी बनाई गई सी उसके मुखी हुण भाई अमृतपाल ने वो लगता नहीं कि समागम में पहुंचे क्योंकि उन्होंने वल्लों एक वक्रा समागम 19 तरीक रख लिया गया कि लगता नहीं सी एकजुट होकर एक समागम से ही इकट्ठ करना चाहिए सी नहीं देखो उन्होंने 15 तरीक करके अपना 19 तरीक का कर लिया इदां दी कोई गल नहीं हैगी आना ना आना वक्री गल है पर दीप सिद्धू का बहुत वधिया दीप सिद्धू जी पहरे तो बहुत वधिया पहरा दे रहा भाई दे अमृतपाल सिंह जी बहुत वधिया बंदे ने गुड असीं उन्हां दे नाल आ कोई सानू कोई गुस्सा नहीं जो उन्हें नहीं भी आउणगे तां भी कोई गुस्सा नहीं हैगा सानू बिल्कुल बाबे तुसीं कीड़ी जगह तो आए हो असीं मंडी गोबिंदगढ़ तो ही आए हाँ जी की कहना चाहोगे समागम दे उत्ते पहुंचे एक साल हो गया दीप नूं साडे विचों गया नूं यही कहना चाहवांगे कि दीप सिद्धू जिहड़ी सोच अपनी छड्ड गया वह सोच नूं असीं मरन नहीं देना भी वह सोच अगे लैके तुरी होना सी इह साडा हुण नौजवानां दा हक बणदा है ये नहीं कि असी हुण घरे बह जाइए जे असी घरे बह के फिर तो दीप सिद्धू की जिहड़ी शहीदी हुई आ उह तां बिरथा जाऊगी जे असी उहदे राह ते तुरांगे फिर साडा कुछ बणूगा वाहिगुरू जी का खालसा असीं मंडी गोबिंदगढ़ फतेहगढ़ साहब तो जी श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के जिला सकत्तर असीं कहना चाहुंदे हां असीं दीप सिद्धू की बरसी ते आए हाँ सानू जिहड़ा घाटा पिया पूरा तो नहीं हो सकता पर असीं इन्हां दी चाल ते जरूर चलांगे इन्हां दी चाल पिछे नहीं छड्डदे हैगे
जो इन्हां नाल होया सानू पता है, सरकारां कहिंदियां भई ये एक्सीडेंट नहीं हैगा, ये इन्हां नू मार के लिया गया, उत्थे दिखाया गया एक्सीडेंट। असीं यही कहने भई इहदा इंसाफ होना चाहिए। हुण दीप दूजा सिद्धू मूसे वाला उहदा भी यही काम करिया, इन्हां ने जान के मरवाया। इस दे विच आम आदमी सरकार का भी हाथ है तो भाजपा का भी हाथ है, क्योंकि जिहड़ा भी सिंह कुछ सच्ची आले पासे तुरदा उस नूं इह दबाउणा चाहुंदे आ। पर साडी सोच आ असीं दब नहीं देना। सरदार सिमरजीत सिंह मान दे आदेशां ते सिद्धू साहब नूं पता लग गया सी वी मान साहब सही बंदे आ, उन्हां ने इक्को ही बयान दिता और मान साहब नाल तुरे सी। इन्हां नूं पता सी हुण दीप सिद्धू आ गया, पढ़िया लिखिया बंदा, मान साहब का सज्जा हत्थ बन गया। जे दीप सिद्धू ना ये करदे तां दीप सिद्धू ने प्रधानगी लैनी सी मान साहब वाली, मान साहब ने खुद ही उन्होंने सौंप देनी सी, क्योंकि नवा जंग मुंडा सी कि उन्हें कुरबानी वास्ते मूहरे रहना सी, मान साहब की जगह उन्होंने सांभनी सी। मान साहब नूं भी बहुत घाटा पिया, जे दीप सिद्धू की सोच नाल ही हुण साडी मान साहब उत्थों जितते हैं संगरूर तो। अगर दीप सिद्धू ना मरदा तां असीं मलेरकोट वाली भी सीटी जितनी सी। बिल्कुल, लोग ने जिहड़े कि इत्थे पहुँच रहे हैं तो हद्द विच दीप की फोटो फड़ी हुई है, सिमरजीत सिंह मान उन्होंने नाल बैठे हुए हैं। बई जी की कहना चाहोगे? हाँ जी, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। जी दीप सिद्धू जी अपनी कुरबानी दे के कौम नू अपने रास्ते ते तोर गए, संत जरनैल सिंह जी पिंडर वालियां दे रास्ते ते। क्यों हुण देख लो जिउंदे जी कोई नहीं याद करता हैगा, जब मरन तो बाद बथेरे इकट्ठ होंदे ने। हुण भाई अमृतपाल सिंह जी नू भी ओकण कहण लगे लगे लोग, ब्याह करा लिया, फलाना करा लिया, अपने दसे पातशाह जी ग्रस्ती होए ने, हरकृष्ण जी नू छड्ड के दसे पातशाह जी ग्रस्ती होए ने। जे ब्याह करा लिया फिर की बड़ी गल है? हाँ, ब्याह करवाना जरूरी है, ग्रस्त दे विच महाराज नू पाउणा जरूरी है, ग्रस्त जरूरी है। देख लो, एक सवाल ये पूछना चाहवांगा, दीप हमेशा एक गल क्या करता सी, कौम नू इकट्ठे करना, कौम वंडी हुई है कई धड़ियां दे विच, नौजवानों नू जगाना, कौम नू एक मंच से लैके आना है। पर वह गल अज नज़र नहीं आ रही इत्थे, क्योंकि भाई अमृतपाल वारस पंजाब जथेबंदी दे मुखी ने जो दीप सिद्धू दे वल्लों बनाई गई सी, तां अज दोनों वखरा वखरा समागम, क्योंकि लगता नहीं अमृतपाल नू वी इस जगह ते इकट्ठा करना चाहीदा सी, इत्थे आउणा चाहीदा सीगा। हाँ जी, भाई अमृतपाल सिंह जी नू आउणा तां चाहीदा सीगा, पर उहनां ने ना कहिंदे वी इक जगह फिर रोस आऊगा भी अलग अलग कर लिया, उन्होंने 19 तरीक का रखता जी। गलत मैसेज नहीं जाऊगा नौजवानों के विच? नहीं, गलत मैसेज ही नहीं जाऊगा, कोई गिला सिकबा नहीं हैगा। वह वारस पंजाब की जथेबंदी उन्हें चाहे बेशक की अलग भी बना ली, पर उन्होंने गिला सिकबा नहीं है, एक असी सारे सिंह एक हैं। भाई अमृतपाल नाल कोई वखरेवे तां नहीं उहनां दे? ना जी, कोई वखरेवा नहीं हैगा, एक झंडे थले सारिआं ने इकट्ठे होना महाराज। जब तक एक निशान साहब थले नहीं इकट्ठे होंदे जब तक अपना कुछ नहीं बन सकता, एक निशान साहब थले इकट्ठे होना चाहीदा। मेरा भी सवाल यही सीगा भी एक जगह दे इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? आपां जे इही जे समागम एक दिन रख्या हुंदा कि लगदा नहीं इकट्ठ ज़्यादा होना सीगा, नौजवानां विच होर उत्साह होना सीगा? पता की गल है जी, उन्होंने रखिया बुद्ध सिंह वाले दे समागम ते 19 तरीक दा, उहदी तैयारियां कर रहे ने। यह जहाँ मन दे विच कोई गिला सिकबा नहीं, एक उन्हां दी ताजी ताजी मैरिज हुई है, उधर भी बिजी ने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। बिल्कुल, नौजवान होण, बजुर्ग होण, मातावां होण जां भैणां होण वड्डी गिणती विच इत्थे पहुँच रही ने, तां दीप नूं जिहड़े चाहुण वाले ने, उस नूं प्यार करन वाले ने, तां उह इत्थे पहुँच के अपनी हाजिरी लगवा रहे ने। तां दीप सिद्धू नूं जिहड़ा कि याद आ उह कीता जा रिहा है, तां अज जिहड़ा कि एक साल हो चले है दीप नूं इस दुनिया तो गया होया, एक भयानक एक्सीडेंट दे विच उसकी मौत हो जाती है, तां लोगों के अज भी गिला है कि जिहड़ी कि दीप की मौत एक प्लैनिंग के तौर पर उसनूं जिहड़ा कि मौत के घाट उतारिया गया है, तां कौम दे वल्लों उसनूं शहीद का जिहड़ा कि दर्जा वह भी दिता गया है। तां अज एक साल पूरा हो चुका, अज दे दिन ही दीप सिद्धू जिहड़ी कि मौत आ होई सीगी, तां अज जिहड़ा कि उन्हां दा बरसी का समागम है वह चौंकी मान के करवाया जा रहा है, तो इस ही जगह पर अज एक गुरुद्वारा साहब का भी नींह पत्थर जिहड़ा रखा जाएगा जिहड़ा कि सिंघा शहीदा के नाम से होगा, तो नाल दी नाल एक IPS ट्रेनिंग का तो इंस्टीट्यूट है जिहड़ा कि वह भी इत्थे खोलिया जाएगा, उसका भी जिहड़ा कि नींह पत्थर है वह रखा जाना। तो वड्डी गिणती दे विच लोग जिहड़े ने इत्थे पहुँच रहे हैं, तो कुछ ही देर दे विच मैंबर ऑफ पार्लीमेंट सिमरजीत सिंह मान भी इत्थे पहुँचने वाले ने, तो सिद्धू मूसे वाले के मरहूम गायक सिद्धू मूसे वाले के पिता जिहड़े बलकौर सिंह ने वह भी इत्थे पहुँचणगे अपनी हाजिरी लवाणगे। तो वड्डी गिणती दे विच लोकां जिहड़ा कि पहुँचना इत्थे शुरू हो चुके हुए हैं। कैमरा परसन बोबी दे नाल हिम्मत सिंह दिगपाल, दैनिक सवेरा, जगराऊं। बाबा सुल्तान जी गोल्ड मैडलिस्ट, तुहाडे शहर विच पहली बार अद्भुत शक्ति चमत्कार देखो, देश विदेश बैठे सानू वट्सएप उत्ते भी कॉल कर सकते ने, घर बैठे 11 मिनटां विच 101% गारंटी नाल समाधान, वशीकरण अते मुठ करनी दे माहर, सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी प्रमोशन कारोबार विच परेशानी, घर च झगड़ा बरकत, औलाद कहने तो बाहर होना, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, गुप्त रोग, पुराना दर्द, पति पत्नी विच अणबन,
जादू टूना मनमोहनी वशीकरण करवाना या तुड़वाना सौतन दुश्मन तो छुटकारा सदा ले रुस्से नु मनाउणा प्यार मुहब्बत बाबा सुल्तान जी 87913 81830।